Hello students, today we are going to discuss the first chapter of ICSE 10th standard, that is the structure of chromosome, cell cycle and cell division. So before discussing about the structure of chromosome, how the cycle happens in the cell and how a cell it divides itself, let us just have a quick brief discussion about the cell. What is a cell? In your 9th standard you have already studied in detail about the cell. So what is a cell and how it was discovered? First of all, cell was discovered by whom? It was discovered by Robert Hooke. In which year? In 1665. ठीक है, तो उसने सेल को डिस्कवर कब किया था? इन द ईयर 1665. व्हाट इज अ सेल? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life, means it is the basic unit of life. So what is cell? It is the structural and functional unit of life, means it is the basic unit of life. इसको हम लोग basic unit of life क्यों बोलते हैं और क्या है इसका काम? Basic क्यों है ये? Why it is basic? So let's just take an example. Suppose we have a building. उस building में we have 6 floors. ठीक है, 6 floor है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 floors हैं. तो जो building है उस building में floors हैं. Those floors they are having what? They are having rooms. Those rooms they are having walls. And then जो वो walls बनी हुई हैं वो किस चीज की बनी हुई हैं? It is made up of bricks. Similarly in our houses also, सबसे पहले हम लोग किस चीज से अपना इतना बड़ा घर बनाते हैं या शुरू करते हैं? विद द ब्रिक्स. सो हियर इन द बिल्डिंग व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट? दैट आर द ब्रिक्स. सिमिलरली इन द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इट इज मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम्स. विट काइंड ऑफ वेरियस सिस्टम्स? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डिफरेंट. Those systems are made up of organs. Those organs are made up of tissues. And at last, those tissues are made up of cells. So, human body ka basic fundamental unit kya hai? Cells. Clear? So, all the living beings, they are having cell as their basic structural and functional unit. Now, आप सब लोगों ने प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इन योर 9th स्टैंडर्ड. सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस दोज ऑर्गेनेल्स, हाउ प्लांट सेल लुक्स लाइक, हाउ एन एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ, इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस है. सो वी विल जस्ट टेक सिंपल दिस एक्सप्लेनेशन. सो विद इन द सेल, ठीक है, देयर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज देयर बॉडी विच इज द मेन बेस ऑफ द सेल. सो सेल का मेन बेस क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, विद न्यूक्लियस देयर आर डिफरेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई हैव ड्रॉन. सो सराउंडिंग एरिया जो है न्यूक्लियस के आउटसाइड वाला सराउंडिंग एरिया, इट हैज साइटोप्लाज्म. दिस साइटोप्लाज्म हैज डिफरेंट cell organelles like mitochondria, lysosomes. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because it makes ATP. ठीक है, similarly जो lysosomes है they are known as suicidal bags and many more other organelles. Similarly cytoplasm में centrosomes भी present होते हैं. These centrosomes are the important part of the cell division. Clear? सो जो मेन बेस है सेल का, दैट इज द न्यूक्लियस, इसके अराउंड
हम लोग क्या पाते हैं, व्हाट वी गेट, वी गेट द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए है, दिस इज पैक्ड अप टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन दैट व्हाट इज सेल, हाउ इट इज, हाउ इट वाज इन्वेंटेड, होम हु इन्वेंटेड द सेल। सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का बेस ही ये है, ठीक है जी। इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट दे डू, सो दीज थिंग्स दे आर बीइंग ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर 9th स्टैंडर्ड, सो वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम करते हैं पहले तो हम, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम, सबसे पहले तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स दे आर द टू क्रोमेटिड्स विच आर जॉइंड टूगेदर विद अ सेंटर नोन एज सेंट्रोमियर। टू क्रोमेटिड्स जॉइंड टूगेदर विद अ सेंटर known as centromere. Now what is chromosome? We all have studied जो cell है, that is the basic structural and functional unit of the all the living organism. These cell they have the nucleus, ठीक है जी। इन nucleus में हमारे पास chromosomes होते हैं and the genetic material DNA, ठीक है। तो अभी हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम आर दी टू क्रोमेटिड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर विद अ सेंट्रोमियर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। वी ऑल नो दैट वी हैव डीएनए इन अवर बॉडी। जो डीएनए होते हैं वो इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे उसके स्ट्रैंड्स होते हैं कि वो हमारी बॉडी में विदाउट कॉइलिंग नहीं पूरे आ सकते। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए अपनी बॉडी में, उनको कॉइल करवाने के लिए हम लोग क्रोमोसोम्स के ऊपर उनको कॉइलिंग करवाते हैं, और हमारा जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर आता है, देन इट इज बीइंग प्रॉपरली फॉर्म्ड। नाउ व्हाट हैपन्स, होता क्या है, हमारे ब्लड में, इन आवर ब्लड वी हैव ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, सर्टन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स we have certain globular proteins, they are round in shape. In globular proteins ko hum log histone proteins kehte hain. Histone proteins, ye globular proteins kya karte hain, they are produced by first of all liver. लीवर इनको बनाता है एंड दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, ठीक है। दीज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दे स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्लस्टर। ये क्या होते हैं, दे स्टार्ट क्लस्टरिंग विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जुड़ते हैं तो एक साथ जुड़ के एक प्रॉपर क्या करते हैं ये लोग, दे फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। दे आर प्रेजेंट फ्रीली अकरिंग एंड ये प्रोटीन्स क्या कहते हैं, दे स्टार्ट क्लस्टरिंग टूगेदर, दे फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ द डीएनए ऑफ द इंडिविजुअल, जो डीएनए है वो इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कोइल करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट कोइलिंग ऑन दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक नहीं है, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्लस्टर्स बनते हैं जिनके ऊपर डीएनए स्ट्रैंड्स दे कॉइल। व्हाई दे हैव टू कॉइल, बिकॉज दे आर सो लॉन्ग दैट दे कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इनसाइड द बॉडी, सो दे नीड टू बी कॉइल्ड। सो दे कॉइल अपॉन दिस क्लस्टरिंग हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम द स्ट्रक्चर व्हेन
The histone proteins, they cluster together, and DNA strands, they coil on those histone proteins. That structure is known as nucleosome. Now, if ever you get a question, what is nucleosome? You can define it very clearly that the structure when histone proteins, they join together and DNA starts coiling over it. Clear? Let's proceed further. Or millions or millions of nucleosomes banenge jinke upar DNA strands cluster karenge. Then what will happen in the next step? What is going to happen? Jab DNA strands iske upar cluster kar jayenge, this histone proteins will start forming a chain like this. And this chain, this structure, it is known as chromatin fibers. Chromatin fibers. Now, chromatin fibers, they are placed which condenses to form chromosome. What will happen in the next step? These chromatin fibers, they will supercoil over each other. Will coil and supercoil with each over each other. And when we will see this structure under the microscope, it will be a butterfly or a ribbon-like structure. Ribbon-like structure known as chromosomes. Known as chromosomes. So this is how the structure of chromosome is being formed. Hota kya hai? Let's just have a quick recapitulation of this. What happens in the body? In our body, the blood releases histone proteins, round proteins, which are secreted by blood and produced by the liver. They are already present inside the body. These globular proteins, they start forming a ball-like structure. Why they start forming a ball-like structure? Because DNA has to coil over them. Why DNA has to coil over them? Because DNA strands are so long that they cannot be accommodated inside the human body or inside any other living body. So when the DNA is being coiled over the structures, that structure is known as nucleosome. When millions of nucleosomes are being formed, they start forming a chain, and this chain is known as chromatin fibers. At last, these chromatin fibers, they coil, they start coiling over each other, they super coil, and when at the end they are being seen as the chromosomes, as a butterfly or a ribbon like structure. So this is how the structure of chromosome is being formed. Now we have done structure of chromosome. Iske saath hi abhi hum logo ne padha hai that DNA, it is having long strands, it has to be coiled. Now let's just have a quick short topic, that what is the structure of DNA? It is in link to this topic, structure of DNA. अब सबको इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी, deoxyribonucleic acid. Now structure of DNA, जो स्ट्रक्चर है DNA का, that is a double helical structure. That is a double helical structure. इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? It has nucleotides inside it. It has nucleotides. These are the nucleotides. ये nucleotides का function क्या है? इसने इन helix को आपस में जोड़ के रखना है. Now, इन nucleotides को अगर हम लोग microscope के अंदर देखें, तो इसकी diagram कैसी आएगी? How it looks like? It looks like this. Phosphate group, sugar molecule, and nitrogenous bases. So basically,
phosphate group, sugar molecule, and nitrogenous bases. So nitrogenous bases are four. चार होते हैं ये. One is adenine, guanine, cytosine, and thymine. Adenine, guanine, cytosine, and thymine. ये जो bases हैं, ये they are being attached to each other with a hydrogenous bond, hydrogen bond. अभी जो adenine है, it pairs itself with thymine, and guanine it pairs itself with cytosine. ये कभी भी आपस में एक दूसरे के opposite pairing नहीं करेंगे. Never adenine can be paired with guanine or cytosine can be paired with thymine. Abhi pairing ka what I am trying to explain is, you are watching these two nucleotides. Suppose this nucleotide, it looks like this. Obviously it is looking like this only. And this is the first nucleotide. This one is the structure of the second one, jo iske opposite hai. Suppose 1 and 2. This is 1 and 2. अभी यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस. नाउ इफ हेयर एडेनाइन इज प्रेजेंट, इट विल हैव थायमाइन इन इट्स ऑपोजिट साइड. नाउ यू आर क्लियर. एंड इफ गुआनाइन इज देयर, इट विल हैव साइटोसाइन इन इट्स opposite side, and these both are being attached together with the hydrogen bond. This is the structure of DNA. It is a double helical structure. It has nucleotides. What are the function of nucleotides? Nucleotides, they hold the two helix. Clear? ये दो helix को एक दूसरे के साथ होल्ड करती है. ठीक है. नाउ इफ यू एवर गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर, विच बेस फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द विच बेस, एंड हाउ दे आर बीइंग अटैच्ड टुगेदर, सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑल्सो. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द मेन टॉपिक, दैट इज अवर सेल साइकिल. Cell cycle. Now, what is a cell cycle? Cell cycle hai kya? What is a cell cycle? The stage through which a cell passes from one cell division to the next. So what is cell cycle? The stage through which a cell passes from one cell division to the next. ठीक है. इसमें होता क्या है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट फेसेस. वन इज द इंटरफेस एंड वन इज द एम फेस. Interface
and the M phase. ठीक है जी, इंटरफेस में क्या होता है, द सेल इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिवीजन, एंड एम फेस में क्या होता है, वेयर डिवीजन एक्चुअली अकर्स. इसमें प्रेपरेशन होती है और इसमें एक्चुअल में डिवीजन इट हैपन्स. एंड इन दिस फेस द डिवीजन प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस. ठीक है जी, अभी हम लोग करते हैं वन बाय वन इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस में क्या है. इंटरफेस में हमारे पास थ्री स्टेजेस होती हैं, G1 ग्रोथ वन स्टेज, S सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ टू फेज. नाउ द सेल्स दे हैव टू डिवाइड, दे हैव टू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड. एम फेस में जब दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, दे हैव टू अंडरगो दी दिस साइक्लिंग प्रोसेस इन विच दे विल अंडरगो G1 प्रोसेस, S फेस एंड दी G2 फेस. नाउ वन थिंग वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द सेल्स विच डू नॉट डिवाइड, वो एम फेस के बाद G1 फेस में एंटर नहीं होते हैं, दे एंटर इन टू अ डिफरेंट फेस, दैट इज द G0 फेस. What happens in the G0 phase is the cells which do not divide, they enter into this phase. And which cells don't divide? बहुत ही common example है, nerve cells. ठीक है, now let's proceed further to the first stage of interphase, that is the G1 phase. G1 फेज को हम लोग ग्रोथ वन फेज भी बोलते हैं. फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ इन सिंपल वर्ड्स, इन दिस इन G1 फेज व्हाट विल हैपन, जो डॉटर सेल M फेज के बाद G1 फेज में एंटर हुई हैं, दिस स्टेज दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम. हाउ दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, starts increasing the volume. How? By forming more RNA, more synthesis of RNA, more proteins, and more organelles will be formed. And the more organelles will be formed. This is one of the longest stage, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम होने हैं. First stage है, initial stage है, इसलिए ये longest stage है. And यहाँ पे बहुत सारे number of cells हैं जो form होते हैं. So, what is the growth one phase? The first phase, which is the initial phase, that is इसमें जो cells हैं, they start increasing their volume. They start having more synthesis of proteins, more RNAs, more cell organelles, because in this phase, many of the number of the cells they have to divide, they have to form. ठीक है, so जो cells divide नहीं होते हैं, they do not enter this G1 phase, they enter the G0 phase, as I have already told you. Now, what will happen next? After the G1 phase, the cell will enter to the next stage, that is the S phase. That is the S phase. What will happen? What is S phase? S phase is the synthesis phase. इसको हम लोग synthesis phase बोलते हैं. Synthesis phase में क्या होगा? It will synthesize more DNA. Synthesis of more DNA. How synthesis of more DNA will take place? Means, इसमें क्या होगा? DNA की replication होगी. Replication क्या मतलब क्या होता है? Duplication होगी DNA की. Means, the 23 pairs of chromosome, वो अपने आपको duplicately divide करके, they will turn into 46.
replication of DNA will take place. Means they have to make a copy of them so that they can divide themselves more easily. ठीक है, तो S phase में क्या हो रहा है? S phase में synthesis of DNA it has to be take place. So growth one phase was the initial phase in which the cells they have to increase their volume. The more it will have more synthesis of proteins, more synthesis of RNAs, organelles, because in this more number of cells they had to be take part. So it is the longest phase. In the second one, in the synthesis phase, synthesis of more DNA will take place, replication of DNA will take place, copy of DNA will be taking place in this phase because the cells they have to divide the 23 pair of chromosome, they will turn into the 46. Now the last phase is, that is the third phase, G2 phase. G2 phase ko hum log growth 2 phase bhi bolte hain. Abhi first stage ho gayi hai, second stage ho gayi hai. Suppose you people are having your exam on the, today is 12th, you people are having your exam on the 15th of April. वैसे तो lockdown के कारण तुम लोग नहीं दे सकोगे या नहीं हो पाएंगे, but still we can have a short example. We are having a exam on 15th of April after 3 days. So on 12th you have 3 holidays, 12th, 13th and 14th. On the 12th you have done half of the syllabus. On 13th you have done the second half of the syllabus. 14 tarikh ko tum log kya karoge? You will go through the whole syllabus one more time. Means you are going to have a quick revision. Same in this phase, growth 2 phase mein kya hai? Sab kuch hum logo ne piche kar diya. Is phase mein ek tarah se hum logo ne kya karna hai? Isko cell ko dobara se taiyar karna hai. Koi bhi cheez agar uski kami reh gayi hai, kuch reh gaya hai, to wo is phase mein पूरा हो जाता है. How? In this, it will have more amount of RNAs, more proteins will be formed just to prepare the cell. This phase is just for the preparation. One night before exam जैसे होता है. ये क्या होगा? More RNAs, more proteins will be there. And one more thing that is going to be there in this phase is, इस phase में हमारे पास एक structure बनेगा that is known as in the G2 phase microtubules. Microtubules they form ester rays. Ester rays जब हम लोग cell division के different stages करेंगे उसमें you will be more clear कि microtubules में esterase जो बनती है उनका function क्या होता है. So this phase it will make a structure known as microtubules that form what? That form esterase. ठीक है. So after all these three phases, this cell it will finally enters to the M phase. जहां पे सेल डिवीजन विल स्टार्ट. ठीक है. सो दिस वाज द सेल साइकिल. सेल साइकिल हैज वन इंटरफेस एंड द अदर एम फेस. इंटरफेस हैज फर्दर थ्री स्टेजेस, ग्रोथ वन स्टेज, सिंथेसिस स्टेज एंड द ग्रोथ टू स्टेज. ठीक है जी. जब ये तीनों स्टेजेस हो जाएंगी तो एंड में वो किस में एंटर करेगा? एम फेस में. And those cells which do not divide, they go to the G0 phase because उनको ये वाला process में नहीं जाना है. उनका कुछ होना तो है नहीं, divide तो उन्होंने होना नहीं है, तो फिर यहाँ पे तो वो जाएंगे नहीं. They will go into the G0 process. ठीक है. So what we have done? We have done the structure of chromosome. Now, if we have a summary of this three topics which we have that we have done, structure of chromosome, DNA and cell cycle. Now you all know you have 23 pair of chromosome. 23 pair of chromosome in human body. Agar hum log le, we have 23 pairs, means 46 chromosome. ठीक है. इन 23 pairs में
जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं इनको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, एंड जो वन पेयर है लास्ट वाला दैट इज द 23rd, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। अभी ये तो तुम लोगों को सबको ही पता है कि एक्स और वाई जब इनका क्रॉसिंग होता है, इफ एक्स 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 एंड एक्स वाई, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग एक्स एक्स मीन्स इट इज अ गर्ल, एंड इफ इट प्रोड्यूसेस एक्स वाई इट मीन्स इट इज अ बॉय। ठीक है जी। सो द लास्ट वन पेयर मीन्स टू क्रोमोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम। सो नाउ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज बीइंग फॉर्म्ड, हाउ डीएनए इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द सेल साइकिल। So the next topic we will do is the cell division, how a cell divides itself. It has different type of stages, metaphase, anaphase, though they are not in your syllabus in detail, but still I will give you a small brief description about it. So please have a quick revision of these three topics, structure of chromosome, structure of DNA and cell cycle, so that we can proceed further.